हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एम आई सी टी कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का 9वां पार्ट, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे आज आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, इनपुट डिवाइसेस पूरा डिटेल कंप्लीट करवा दिया था, और आज पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा आप लोगों को समझाया था कि इनपुट डिवाइसेस का पहले मतलब थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइस का मतलब बताते हैं कि जब भी कंप्यूटर को आप अपना इनपुट देंगे, डेटा इंस्ट्रक्शन देंगे, तो कोई ना कोई डिवाइस होगा जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे। तो वैसे डिवाइसेस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है उसको इनपुट डिवाइस, और वैसा कोई भी डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर से हमको आउटपुट प्राप्त होता है, यानी जब भी कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, आउटपुट देगा, तो कोई ना कोई डिवाइसेस के माध्यम से हमें अपना आउटपुट कंप्यूटर हम तक पहुंचाएगा, उसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आप कंप्यूटर से रिजल्ट देखना चाहेंगे तो सबसे पहला आता है कि आप स्क्रीन पे मॉनिटर पे देख सकते हैं, तो मॉनिटर हमारे लिए आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे कि हम प्रिंटर से रिजल्ट प्राप्त करते हैं पेपर पे, तो हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे स्पीकर से हम साउंड के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त करते हैं तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो। जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट पे पढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट जो होता है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन बड़े लार्ज स्केल पे दिखाई देता है तो उसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। तो ऐसा कोई भी डिवाइस है जिसके माध्यम से आपको कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त होता है तो उसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। अब डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। डेफिनेशन है कि डिवाइस विच इज यूज टू अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वैसा कोई भी डिवाइस है जिसके माध्यम से आपको आउटपुट प्राप्त होता है उसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। सच एज मॉनिटर, जैसे कि होता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब कुछ एग्जांपल्स है आउटपुट डिवाइसेस के। इनमें सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक साधारण सा टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है, जैसा नॉर्मल टीवी होता है वैसा ही मॉनिटर होता है। मॉनिटर को हम स्क्रीन भी कहते हैं, स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं, या इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। क्योंकि मॉनिटर जो है, वैसे तो आउटपुट डिवाइस का मतलब हम लोग समझते हैं कि कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे कि कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है, लेकिन मॉनिटर का केवल काम केवल आउटपुट को ही दिखाना नहीं, बल्कि आप कंप्यूटर को जो इनपुट दे रहे हो तो उसको भी दिखाता है, कैसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा होता है उसको भी दिखाता है, और साथ ही साथ उसके बाद जो रिजल्ट इन्फॉर्मेशन तैयार होता है, आउटपुट जो तैयार होता है, वो भी हमें दिखाता है। यानी आप मॉनिटर पे हर एक विजुअल को देख पाते हैं, इसलिए मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU, जिसका फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर को भी हम लोग जब काम करेंगे कंप्यूटर पे तो CPU से ही कनेक्ट करते हैं, CPU से जोड़ते हैं, जो दिखने में साधारण सा टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है। मॉनिटर पे जो भी चीज हमें दिखाई देती है, जैसे टेक्स्ट, वीडियो है, पिक्चर है, कोई भी चीज जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, वो डॉट्स डॉट्स की सहायता से तैयार होते हैं, जिसको कि पिक्सल कहा जाता है। मतलब स्क्रीन के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा जो कुछ भी दिखाई देते हैं उन्हें पिक्सल कहा जाता है। हर चीज का अपना एक लिमिटेशन होता है कि वह कितना एक बार में दिखा सकता है। मॉनिटर हमें पिक्सल दिखाता है, तो मॉनिटर का भी एक लिमिटेशन होगा कि वह एक बार में कितना पिक्सल हम लोगों को दिखा सकता है। तो पिक्सलों की ज्यादा से ज्यादा संख्या जो एक बार में एक मॉनिटर डिस्प्ले कर सकता है, उसको उस मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहा जाता है। पिक्सलों की ज्यादा से ज्यादा संख्या जो एक बार में एक मॉनिटर दिखा पाएगा, वह उस मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहलाता है। जितने भी मॉनिटर होते हैं सब में मॉनिटर को कंट्रोल करने के लिए एक अडेप्टर का यूज किया जाता है, जिसको डिस्प्ले अडेप्टर कहा जाता है। डिस्प्ले अडेप्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग मॉनिटर में अलग अलग प्रकार के यूज किए जाते हैं। पहले हम लोग मॉनिटर का डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर का डेफिनेशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीन, इसको स्क्रीन भी और विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू सी रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन एज वेल एज डेटा बींग इंटर्ड एज इनपुट। आप मॉनिटर से आउटपुट तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ जो डेटा इनपुट के रूप में दे रहे होते हैं उसको भी देख सकते हैं। इट इज कनेक्टेड विद द CPU ऑफ कंप्यूटर, इसको भी कंप्यूटर के CPU से जोड़ा जाता है। ए मॉनिटर लुक्स लाइक एस ऑर्डिनरी टेलीविजन स्क्रीन, एक मॉनिटर जो होता है बिल्कुल टेलीविजन, साधारण सा टेलीविजन स्क्रीन की तरह ही होता है। एनी कैरेक्टर इज फॉर्म्ड ऑन द मॉनिटर बाय यूजिंग डॉट्स, स्क्रीन पे कोई भी कैरेक्टर जो तैयार होते हैं डॉट्स की सहायता से, विच आर कॉल्ड पिक्सल, जिसको पिक्सल कहा जाता है, विच आर कॉल्ड पिक्सल्स। The maximum number of pixels which can be displayed by a monitor is called
इज कॉल्ड इट्स रिजोल्यूशन, इसको उसका रिजोल्यूशन कहा जाता है। एन अडेप्टर इज यूज टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डिस्प्ले अडेप्टर। स्क्रीन पे जितने भी चीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अडेप्टर यूज किया जाता है, जिसको डिस्प्ले अडेप्टर कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था कि डिस्प्ले अडेप्टर मॉनिटर में जो यूज किया जाता है वो डिस्प्ले अडेप्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें से सबसे पहला होता है MGA। MGA का फुल फॉर्म होता है मोनोक्रोम ग्राफिक अडेप्टर। मोनोक्रोम ग्राफिक अडेप्टर जिस मॉनिटर में यूज किया जाता है उसमें केवल और केवल दो कलर को सपोर्ट करता है। आप लोगों ने पहले जमाने में टीवी देखा होगा, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दो ही होते थे, दो ही कलर होते थे, तो उसमें यूज किया जाता था MGA मोनोक्रोम ग्राफिक अडेप्टर। दूसरा होता है CGA जिसका फुल फॉर्म होता है कलर ग्राफिक अडेप्टर। इसमें 16 कलर तक को सपोर्ट करता है। जिस मॉनिटर में कलर ग्राफिक अडेप्टर CGA यूज किया जाएगा उसमें 16 कलर तक को सपोर्ट करता है। तीसरा होता है VGA वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। इसमें 256 कलर तक को सपोर्ट करता है। और आखिरी चौथा होता है SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। इसमें 2×16 और 2×32 कलर तक कलर को सपोर्ट कर सकता है। तो ये था चार प्रकार डिस्प्ले अडेप्टर का। डेफिनेशन देख लीजिए, लिखा हुआ है कि MGA जिसका फुल फॉर्म होता है मोनोक्रोम ग्राफिक अडेप्टर, इट सपोर्ट्स ओनली टू कलर्स, इसमें केवल और केवल दो कलर को सपोर्ट करता है। दूसरा है CGA कलर ग्राफिक अडेप्टर, इट सपोर्ट्स अप टू 16 कलर, इसमें 16 कलर सपोर्ट करेंगे। और VGA जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, इट सपोर्ट्स अप टू 256, 256 कलर तक को सपोर्ट करेगा। और चौथा होता है SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, इट सपोर्ट्स अप टू 2×16 और 2×32, में 2×16 और 2×32 कलर तक को सपोर्ट करता है। मॉनिटर के द्वारा हमें जो भी रिजल्ट दिखाई देता है, मॉनिटर पे स्क्रीन पे जो कुछ भी रिजल्ट दिखाई देता है उसको कहा जाता है शॉक्ड कॉपी। और जब आप प्रिंटर से रिजल्ट प्राप्त करते हैं, अपने कागज पे रिजल्ट प्राप्त किया होगा, तो कागज जो होता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी, और प्रिंटर से प्राप्त जो पेज होता है, रिजल्ट इन्फॉर्मेशन होता है, उसको कहा जाता है हार्ड कॉपी। ये था मॉनिटर, पहला हमारा आउटपुट डिवाइस। अब आप आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर का मेन इस्तेमाल किया जाता है कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि आपके पास परमानेंटली हो, क्योंकि मॉनिटर पे जो हमें रिजल्ट दिखाई देता है वो टेम्पोररी के लिए होता है। स्क्रीन पे दिखाई देता है, फिर हम दूसरा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो हमें दूसरा रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका परमानेंट कॉपी हमारे पास हो, तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर के माध्यम से कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर में होता है उसे हार्ड कॉपी के रूप में परमानेंटली आप पेज पे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस ही होता है, क्योंकि इससे आप कॉपी रिजल्ट प्राप्त करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं, तो इसको भी कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर को भी जब आप वर्क करेंगे तो कंप्यूटर के CPU से ही कनेक्ट किया जाता है। अब डेफिनेशन इसका समझ लेते हैं। प्रिंटर का डेफिनेशन, इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच यूज टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन ऑन द पेपर। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से किसी भी रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन को पेपर पे प्राप्त कर सकते हैं। इट इज यूज टू गेट परमानेंट कॉपी ऑफ आउटपुट। किसी भी आउटपुट इन्फॉर्मेशन का परमानेंट कॉपी पाने के लिए प्रिंटर का यूज होता है। ए प्रिंटर इज कनेक्टेड विद द CPU ऑफ कंप्यूटर। प्रिंटर को भी हम लोग कंप्यूटर के CPU से जोड़ते हैं। द आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। मैंने बताया था कि प्रिंटर से रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर होता है दो प्रकार का, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसे प्रिंटर कोई भी है, दोनों का सारे प्रिंटर का काम होता है प्रिंट आउट निकालना, लेकिन दोनों में मेन अंतर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये हम दोनों में अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंसेस क्या होते हैं। एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें जब भी कोई चीज आपको प्रिंट आउट निकालना होता है, प्रिंट आउट निकालने के समय प्रिंटर का हेड, जैसे पेन होता है हमारा, तो पेन का एक हेड होता है जो टच करता है पेपर को तो कुछ लिख पाते हैं, तो प्रिंटर का हेड होता है यदि पेपर को डायरेक्ट स्ट्राइक करके, प्रिंटर का हेड यदि पेपर को डायरेक्ट स्ट्राइक करके प्रिंट आउट निकालता है तो वह इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। और यदि ऐसा कोई प्रिंटर जो प्रिंट आउट निकालने के समय प्रिंटर का हेड बिना पेपर को स्ट्राइक किए, बिना पेपर को स्ट्राइक किए प्रिंट आउट निकालता है, तो उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने बताया कि प्रिंटर का हेड पेपर को स्ट्राइक करता है, इसलिए दोनों में मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है, प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में आपस में मैकेनिकल कनेक्शन होता है जिसके कारण दोनों आपस में स्ट्राइक करता है। जब आप इम्पैक्ट प्रिंटर से कोई भी चीज का प्रिंट आउट निकालेंगे तो बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा आवाज होता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई आवाज नहीं होता है,
इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं मैंने बताया कि प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में इम्पैक्ट प्रिंटर में कनेक्शन होता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर से तो उसका आउटपुट क्वालिटी बेहतर नहीं होता, दिखने में अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप जब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से कोई प्रिंट आउट निकालेंगे तो दिखने में अच्छा होता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो सस्ता होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर महंगा होता है। एक खासियत होती है इम्पैक्ट प्रिंटर में कि किसी भी पेज का बहुत सारा कॉपी, आपको 1000-2000 कॉपी निकालना है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिख रखा है, तो आप डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसको किसको कहा जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का डेफिनेशन है अ प्रिंटर विच प्रिंट्स आउटपुट बाय स्ट्राइकिंग प्रिंटर हेड ऑन पेपर इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर का हेड पेपर को स्ट्राइक करता है, प्रिंट आउट निकालता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। देयर इज मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंटर हेड एंड पेपर। इसमें प्रिंटर हेड और पेपर में मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है। इट क्रिएट्स नॉइज व्हाइल वर्किंग। इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज नॉट सो गुड। इम्पैक्ट प्रिंटर से जो प्रिंट निकालते हैं उसका आउटपुट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है। इट इज चीपर, ये सस्ता होता है देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में सस्ता होता है। वी कैन गेट मल्टीपल कॉपी ऑफ आउटपुट एट ए टाइम। इम्पैक्ट प्रिंटर से किसी भी आउटपुट का बहुत सारा कॉपी एक ही बार में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है इम्पैक्ट प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बिजी व्हील प्रिंटर, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है इम्पैक्ट प्रिंटर के। याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि किसको इम्पैक्ट प्रिंटर, किसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, कुछ नाम दिए रहेंगे प्रिंटरों के, और पूछा जाएगा कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब जानते हैं डेफिनेशन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का डेफिनेशन है ए प्रिंटर विच प्रिंट्स आउटपुट विदाउट स्ट्राइकिंग प्रिंटर हेड ऑन द पेपर। प्रिंटर का हेड पेपर को बिना स्ट्राइक किए प्रिंट आउट निकालता है तो वो कहलाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देर आर नो एनी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंटर हेड एंड पेपर। इसमें प्रिंटर हेड और पेपर में कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता है। इट हैज नॉइजलेस सेपरेशन। ये नॉइजलेस बिल्कुल शांत होता है, इसमें आवाज नहीं होती है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। आउटपुट क्वालिटी जो इम्पैक्ट प्रिंटर का होता है उससे बेहतर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। इट इज कॉस्टलियर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर से महंगा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। अभी ज्यादातर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज होता है क्योंकि इसका आउटपुट क्वालिटी बहुत बेहतर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एटीएम में भी जाते होंगे तो वहाँ से भी आपको जब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक रिसीट मिलता है, मतलब प्रिंट निकलता है, तो वहाँ पे भी प्रिंटर का यूज़ होता है। तो क्या बोलते हैं उसको, एटीएम में जो प्रिंटर का यूज़ किया जाता है उसमें उसका नाम होता है थर्मल प्रिंटर। वहाँ थर्मल प्रिंटर का यूज़ होता है। थर्मल प्रिंटर में भी और उसमें भी पेज इस तरह का यूज़ किया जाता है कि आपने वो जो रिसीविंग देखा होगा, रिसीट देखा होगा उसका, वो आप कुछ दिनों तक रखेंगे, एक महीने तक रखेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। पेज जो होगा जिसपे प्रिंट होता है वो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। पेपर इस तरह का यूज़ होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। उसमें क्या होता है, उन प्रिंटरों में इंक बहुत कम नाम मात्र का यूज़ होता है। उसमें जो मैंने पहला बताया था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें कि स्ट्राइक करके कोई भी चीज़ को स्ट्राइक करके प्रिंट किया जाता है। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर सभी लोग करते हैं कि बचपन में कोई पेज पे सिक्का रख के आप लोग बार बार स्ट्राइक करते रहते हैं, बार बार घसते रहते हैं, देखते होंगे सेम टू सेम जो सिक्का होता है वो छप जाता है आपके कागज पे। ऐसा क्यों होता है कि उसमें कोई इंक आप यूज नहीं करते, फिर भी बार बार स्ट्राइक होने के कारण सेम टू सेम जो फिगर होता है वो बार करने से छप जाता है। तो वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, जो भी चीज होता है बार स्ट्राइक होने के कारण जो उस पर लिखा होता है वो छप जाता है। तो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइस। एक प्रिंटर के बाद एक स्पीकर भी, जिसका मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, छोटा सा टॉपिक है। स्पीकर तो आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं केवल बोल के बता दे रहा हूँ कि स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन रिजल्ट जो आपको कोई साउंड के माध्यम से प्राप्त करना होगा, जैसे कोई आपने गाना बजाने का शौक, प्ले करने का, या कोई भी ट्यून होता है, रिंगटोन होता है, तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो साउंड के माध्यम से यदि प्राप्त होगा तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर का। स्पीकर इट इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है विच इज यूज टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट साउंड्स।
इसका इस्तेमाल किसी भी रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग और आउटपुट को अलग अलग साउंडों में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए रहने देते इतना ही, ये था हमारा आउटपुट डिवाइस। अगला टॉपिक अगले वीडियोस में लेके आऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको अगले आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।